नमस्कार, मार्ग मिलेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ स्काई। ऐसी कौन सी चार महिलाएं हैं जिनका हमें स्वागत करना चाहिए, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, जिनका अपमान किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इनहि कुदिष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, ये चारों एक समान होती हैं। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, ये चारों एक समान होती हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इन पर यदि कोई गलत नज़र डाले, बुरी नज़र डाले या इनका अपमान करे, इनका सम्मान न करे, ऐसे लोगों को दंड देने से कोई पाप नहीं लगता है। छोटे भाई की पत्नी को हिंदू समाज में बहू माना जाता है। उस पर यदि कोई बुरी नज़र डालता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य का परिणाम भी बहुत बुरा होता है। रामचरितमानस में आपने देखा होगा, रामायण सीरियल में, या आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, कि स्किंधा के राजा बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने अधीन कर लिया था। छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखने पर, उसके साथ गलत व्यवहार करने पर उसे महापाप लगा और इसी वजह से खुद भगवान राम ने बाली का वध करके उसे उसके कर्मों की सजा दी। इसलिए हर मनुष्य को अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बहू के समान, अपनी बेटी के समान समझना चाहिए। पुत्र की पत्नी अपने बेटे की पत्नी को भी बेटी के समान समझना चाहिए, वो बेटी ही मानी जाती है हमारे हिंदू समाज में। अपनी बहू के सम्मान की रक्षा करना परिवार में सभी का धर्म होता है। मनुष्य को भूल कर भी अपनी बहू का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उसका अपमान करने वालों का साथ देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, रामायण में एक कथा मिलती है कि एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण ने उसे देखा और गलत दृष्टि से देखना शुरू किया और रंभा का रास्ता रोका। रंभा ने कहा कि वो कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने का वचन दे चुकी हैं। इस तरह से वो नल कुबेर के पास जा रही हैं और इस समय वो रावण की पुत्र बधू के समान है, क्योंकि नल कुबेर कुबेर का पुत्र था। रंभा के ऐसा कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा के साथ गलत व्यवहार करना चाहा। ऐसे में रंभा क्रोधित हुई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि किसी स्त्री पर गलत नज़र डालने की वजह से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाए और किसी स्त्री की वजह से ही तुम्हारा विनाश हो। पुत्र वधू का यही श्राप रावण के विनाश का कारण बना। हमें अपनी बेटी पुत्री का सम्मान करना चाहिए। हर परिस्थिति में पिता का धर्म है कि अपनी बेटी का बचाव करे, उस पर कोई कुदृष्टि ना डाले, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। जो व्यक्ति अपने पुत्री का सम्मान नहीं करता वो पाप का भागी होता है। उसे जीवन में कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है।
ऐसा मनुष्य चाहे कितना ही दान धर्म करे लेकिन उसके पाप का निवारण नहीं होता है। मनुष्य को अपनी बहन को भी पुत्री के समान ही समझना चाहिए, छोटी बहन को पुत्री के समान और बड़ी बहन को माता के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य अपने बहन की रक्षा नहीं करता, अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका अपमान करता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। और बहन का अपमान करने वाला जो मनुष्य होता है उसे नरक भोगना पड़ता है। किसी को भी अपनी बहन का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी रक्षा करना चाहिए। ये हमारा सनातन हिंदू धर्म हमें सीख देता है। धन्यवाद।